यार आज तो घर पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि चौप और रोपिरो बाहर घूमने के लिए गए हैं। और यार इतनी ज्यादा रात हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर खड़े होके लॉस सेंटोस का ही नजारा देख लिया जाए। अभी आप देख रहे हो ना, चारों तरफ लॉस सेंटोस में लाइट ही लाइट जल रही है। यहाँ से लॉस सेंटोस का नजारा कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ से खड़े होके देखने में ना लॉस सेंटोस को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बट यार अब मैं क्या करूँ, रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है। एक काम करता हूँ, ओ माई गॉड यार, मैं तो सोच रहा था कि चल के सोया जाए, बट यार मुझे लगता है किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। अरे यार ये तो कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। अरे कौन हो यार, अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुको। अरे यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे लगता है मेरी आवाज इस तक नहीं पहुंच पा रही है। अरे यार क्या कर रहे हो, दरवाजा तोड़ तो नहीं दोगे? आ तो रहा हूँ, पहले ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो? अबे टिप्सन खालिए, दरवाजा खोल, मैं रो फिर हूँ, फटाफट से खोल, और चौप भी मेरे साथ है। अरे नहीं यार, ये रो फिरो तो नहीं हो सकता, रो फिरो की आवाज ऐसी तो नहीं है। अरे हाँ रो फिरो, एक मिनट रुक यार, अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक यार। यार ये रो फिरो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रो फिरो की आवाज ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, गेट खोलूँ या फिर ना खोलूँ? हाँ? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। टिप्सन दरवाजे को खोलता है या फिर मैं दरवाजा तोड़ दूं? बता जल्दी, वरना अभी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे यार रो फिरो इतना क्यों चिल्ला रहा है यार, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। यार मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, ये रो फिरो बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ यार, मैं फटाफट से भागता हूँ, मुझे तो लगता है रात में कोई चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। एक मिनट यार, मैं फटाफट से भागता हूँ, वरना तो आज मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। अरे टिप्सन कहाँ पर रह गया, अभी तक तूने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। टिप्सन दरवाजा खोलता है या तोड़ दूं? लगता है ये टिप्सन का बच्चा ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगा, मुझे यहाँ पर तोड़ना ही पड़ेगा। ये ले टिप्सन के बच्चे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह मैंने दरवाजा तोड़ दिया। oh, no. अब देखता हूँ कहाँ है इसका वॉशरूम। टिप्सन कालिया कहाँ है तू? अरे अब तो बोलना भी बंद हो गया, पहले तो बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। अरे यार मैं फटाफट से भागता हूँ, यहाँ पर तो आज सच में मेरी जान को खतरा। यार मैं कहाँ पर छिपूं? एक मिनट यार, मैं फटाफट से भागकर चलता हूँ, ये तो मुझे दिखा भी नहीं कि आखिर कौन था। लेकिन यार ये तो बहुत ज्यादा घर में फायर कर रहा है। एक मिनट यार, मैं कहाँ पर छुपूं, मुझे तो कोई छुपने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। एक काम करता हूँ, फटाफट से चौप के घर के पास छिप जाता हूँ यार, यहीं पे छिपता हूँ। हाँ ये जगह ठीक है यार, फटाफट से छिपता हूँ। अब ठीक है यार, पता नहीं ये टिप्सन कहाँ जाकर छिप गया। मैं बोलता हूँ टिप्सन बता कहाँ पर छिपा है, अभी देखना पड़ेगा किधर है टिप्सन। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज ये बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं तुझे मारूं। आज टिप्सन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है ना, आज देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अभी देखता हूँ ये टिप्सन का बच्चा कहाँ जाकर छिपा है, लगता है इसको पहले ही पता लग गया था कि आज मैं इसके घर पर आने वाला हूँ। अरे यार ये तो इधर की साइड ही आ रहा है, फटाफट से भागता हूँ, मुझे कोई ठीक सी जगह ढूंढनी पड़ेगी यार, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पता नहीं यार ये कौन है, मुझे तो इसकी आवाज भी समझ में नहीं आ रही, ये कितना ज्यादा हैवी बोलता है। एक मिनट यार, मैं फटाफट से इधर चलता हूँ और यहीं पर छिप जाता हूँ यार, लगता है वो यहाँ नहीं आएगा। मैं फटाफट से यहीं पर छिप जाता हूँ। मैं बोलता हूँ टिप्सन बता कहाँ पर है तू, वरना मैंने तुझे देख लिया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं किधर जाकर छिपा है, अभी देखना पड़ेगा किधर जाकर छिपा है। लेकिन जहाँ भी होगा घर से बाहर तो भाग नहीं सकता, रात का टाइम है, रात के टाइम में कहाँ घर से बाहर जाएगा। अभी देखता हूँ, लगता है इधर छिपा होगा, इधर देखता हूँ। अरे टिप्सन कालिया इधर भी नहीं है, तो फिर टिप्सन किधर चला गया? मुझे देखना पड़ेगा कुछ भी करके, आज इस टिप्सन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रो फिरो चौप कोई भी आज घर पर नहीं है, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। अगर आज ये मेरे हाथों से बच गया तो फिर मैं इसको कभी नहीं मार पाऊंगा। लेकिन टिप्सन तू देखना, आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब तो बस छुपने के लिए एक ही जगह रह गई है। अब फटाफट से वो भी देखता हूँ, और देखता हूँ मुझे लगता है टिप्सन कालिया उधर ही छुपा होगा। देखता हूँ टिप्सन आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। रो फिरो भी आज यहाँ पर नहीं है, और ना ही वो चौप कुत्ता यहाँ पर है। देखता हूँ टिप्सन के बच्चे, लगता है टिप्सन इधर छुपा होगा। एक मिनट, अरे वाह टिप्सन यहाँ पर आकर छिपा है। अरे तू यार, तू तो हमारा दोस्त है, तू ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे मत मारना यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझे घर में से जो चाहिए वो ले जा, बस मुझे कुछ मत कहना। अरे यार तू तो हमारा दोस्त था, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे नहीं, अरे यार अब तेरा आखिरी टाइम आया तो तुझे दोस्त याद आ रही है? हाँ अब देखना मैंने तेरे साथ क्या किया, अब तू कभी लॉस सेंटोस में वापस नहीं आएगा। तूने मेरे को बहुत तगड़ा धोखा दिया था ना टिप्सन कालिया, अब तुझे चाह कर भी रो फिर भी नहीं बचा सकता।
मेरी गन में जितनी भी गोली थी वो सब मैंने इसके अंदर उतार दी है। अब फटाफट से मैं यहाँ से भागता हूँ, वरना तो किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फटाफट से भागता हूँ, अब तो रो फिरो भी चाकर इसे नहीं बचा सकता, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फटाफट से भागता हूँ। अरे भैया रो फिरो यार, थोड़ी गाड़ी स्पीड में चलाओ यार, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है और अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। हमें यार पूरी रात गाड़ी में चलते चलते हो गई। रो फिरो भैया थोड़ी गाड़ी को स्पीड में चलाओ यार, मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे थे वो भी अधमरे हो गए। फटाफट से चलो यार घर पे, चल के तुरंत टिप्सन भैया को बोलूंगा कि तुरंत नाश्ता लगाए। अरे गाइस यार, एक तो आप देख रहे हो चॉप को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं और ये नाश्ता बोल रहा है। खैर चॉप छोड़ यार, फटाफट से आ। अरे हाँ भाई साहब, रो फिरो यार फटाफट से आता हूँ, वैसे भी आज मुझसे चला भी नहीं जा रहा यार, इतनी ज्यादा भूख लग रही ना कि बहुत ज्यादा, बस मैं क्या ही बताऊं। चल यार रो फिरो फटाफट से चलते हैं और टिप्सन को बोलते हैं फटाफट से दोपहर का लंच रेडी करे हमारे लिए। अरे हाँ चॉप यार, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं फटाफट से चलता हूँ और टिप्सन को बोलता हूँ। एक मिनट, पहले तो मैं ये देखता हूँ आखिर टिप्सन कहाँ पर है। टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ पर है, देख यार हम पार्टी पर से आ गए। बट वेट यार, मैंने टिप्सन को आवाज दी लेकिन टिप्सन का कोई रिप्लाई नहीं आया। एक मिनट देखना पड़ेगा। टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ पर है यार, देख हम आ चुके हैं। अरे यार टिप्सन की अब भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एक मिनट कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ पे यार, ओ माय गॉड यार टिप्सन यहाँ पर भी नहीं है और मैं टिप्सन को इतनी ज्यादा आवाज दे रहा हूँ बट टिप्सन कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा। एक मिनट टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ पे यार, ओ माय गॉड यार टिप्सन की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। एक काम करता हूँ फटाफट से मैं भागकर ऊपर चलता हूँ। एक मिनट यार, देखना पड़ेगा आखिर टिप्सन कहाँ पर है। मैं टिप्सन को इतनी ज्यादा आवाज दे रहा हूँ बट टिप्सन यार बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ है यार, ओ माय गॉड यार इधर देखो ऊपर भी टिप्सन कहीं पर नहीं है। टिप्सन, अरे यार हमारे साथ प्रैंक बिल्कुल मत कर यार, मुझे तो लगता है यार टिप्सन हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। बट एक मिनट इधर साइड देखता हूँ, ओ माय गॉड यार टिप्सन तो इधर भी नहीं है। अरे यार टिप्सन किधर चला गया। एक मिनट यार, कल रात तो उसको हम घर पर ही छोड़कर गए थे बट यार अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि टिप्सन कहाँ पर है। एक मिनट या अब ठीक है, ओ माय गॉड यार टिप्सन को देखता हूँ, टिप्सन कहाँ है यार। अरे यार गाइस टिप्सन का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आ रहा। एक मिनट इधर उधर देखता हूँ यार, कहाँ पर देखूँ टिप्सन, अरे टिप्सन कहाँ पे यार, कुछ तो आवाज दे। ओ माय गॉड यार मुझे लगता है टिप्सन इधर साइड होगा। एक मिनट देखता हूँ कहीं टिप्सन इधर कुछ तो नहीं कर रहा है। एक मिनट यार मैं फटाफट से चलता हूँ और इधर देखता हूँ, बट ओ माय गॉड ये क्या है टिप्सन, अरे टिप्सन क्या हुआ यार, ओ माय गॉड यार इसको तो किसी ने मार दिया है। अरे यार ये कैसे हो गया। एक मिनट मैं फटाफट से चॉप को बुलाता हूँ। चॉप, अरे चॉप यार फटाफट से इधर आ। ए भाई साहब पता नहीं अब क्या हो गया यार, रो पीरो आ रहा हूँ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार रो पीरो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है यार, मैं तो बस यही प्रेयर कर रहा हूँ कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। ए भाई साहब यार मैं फटाफट से चलता हूँ, किधर है यार, आवाज तो इधर से ही आई थी, अब मैं किधर को जाऊँ, इधर को चलता हूँ। रो पीरो आ रहा हूँ यार, क्या हुआ, अरे रो पीरो यार ये क्या हो गया। ए भाई साहब यार इस टिप्सन को किसने मार दिया यार रो पीरो। अरे यार चॉप मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है यार, टिप्सन को ऐसे इतनी बेरहमी से किसने मारा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टिप्सन के साथ ऐसा किसने किया है यार। ए भाई साहब, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, टिप्सन को यार पता नहीं किसने मार दिया यार, अब मैं क्या करूँ, मैं टिप्सन के बिना कैसे रहूंगा। अरे यार एक काम करता हूँ, टिप्सन के अंदर से फ्रेग्रेंस सुनता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो मुझे समझ में आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी आदमी ने टिप्सन को मार दिया हो यार, ये काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। एक मिनट यार फटाफट से स्मेल करता हूँ। अरे अरे यार दोबारा फ्रेग्रेंस सूंघता हूँ यार। अरे यार रो पीरो एक बात बोलूँ यार, ये जो फ्रेग्रेंस है ना ये मेरे को जानी पहचानी लग रही है, ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है, एक बार और सूंघता हूँ यार। अरे रो पीरो भैया यार ये फ्रेग्रेंस मुझे जानी पहचानी लग रही है, ये जरूर अपने ही आदमी का काम है। अरे यार चॉप ये तू क्या बोल रहा है, इसका मतलब टिप्सन का मर्डर किसी अपने ही आदमी ने किया है। अरे हाँ भाई साहब रो पीरो ये अपने ही आदमी का काम है, क्योंकि ये जो मैंने स्मेल सूंघी ना ये मेरे को जानी पहचानी लग रही है भाई साहब। अरे यार चॉप ये स्मेल तुझे जानी पहचानी लग रही है, फिर तो ये काम उन्हीं आदमी का है जो कि हमारे घर में आते जाते रहते हैं। एक मिनट यार, लेकिन हमारे घर में कौन आदमी है जो कि हमारे घर में आते जाते रहते हैं। अरे हाँ
यार विलन, सुपर हीरो और म्यूटेंट, ये तीनों ही है जो कि हमारे घर में आते जाते रहते हैं। बट यार ये काम उनमें से तो किसी का नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ यार, मैं फटाफट से उन तीनों को कॉल करके और तुरंत घर पे बुलाता हूँ, और फिर जो ना चॉप से उनकी फ्रेगनेंस स्मेल करवाऊंगा, और फिर देखूंगा कि आखिर टिप्सन का मर्डर किसने किया है। एक मिनट, ये आइडिया बिल्कुल ठीक रहेगा। फटाफट से फोन निकालता हूँ और पहले तो फटाफट से मैं विलन को कॉल लगाता हूँ। एक मिनट यार, नंबर किधर गया? एक मिनट यार, अभी तो बेल जा रही है। अरे हेलो रोफिरो, क्या हुआ यार, दोपहर को कॉल कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ विलन यार, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। वो क्या है ना, रात चौप और मैं पार्टी करने के लिए गए थे, बट यार हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार हम दोनों अकेले अकेले पार्टी करेंगे तो ऐसे ठीक नहीं लगेगा। अरे तो फिर रोफिरो क्या सोचा, आज रात को हम सबको भी पार्टी पर लेकर जाएगा क्या? अरे नहीं विलन यार, रात को पार्टी पर नहीं लेके जाऊंगा। वो क्या है ना, चौप और मैं रात ही पार्टी का सारा सामान लेकर आ गए थे। अच्छा तो रोफिरो अपने घर पर ही पार्टी करेगा? बता रोफिरो, फटाफट से बता कब करेगा, जब तू बोलेगा मैं तो तभी आ जाऊंगा यार। अरे विलन यार, कब नहीं, एक घंटे के अंदर पार्टी स्टार्ट होने वाली है, फटाफट से आ, मैं घर पर तेरा वेट कर रहा हूँ। अरे तो कोई बात नहीं यार रोफिरो, एक तो बहुत ज्यादा है, बस मैं 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ यार रोफिरो। फिर तो ठीक है विलन, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। एक मिनट यार, अभी देखो मैंने विलन को तो बोल दिया है, विलन 15 मिनट में मेरे घर पर आ जाएगा। अब मैं फटाफट से सुपर हीरो का नंबर देखता हूँ, आखिर सुपर हीरो का नंबर कहाँ गया, क्योंकि अभी सुपर हीरो को भी तो बुलाना है। एक मिनट यार, मैं नंबर देखता हूँ, एक तो मेरे को टाइम पर नंबर हाथ नहीं आते हैं। अरे हाँ ये रहा, एक मिनट अभी मैं फटाफट से लगाता हूँ। अरे यार अभी बेल तो जा रही है बट सुपर हीरो अभी कॉल नहीं उठा रहा। अरे उठा यार सुपर हीरो, फटाफट से उठा। अरे हेलो, अरे यार रोफिरो मेरे दोस्त यार, बहुत दिनों के बाद कॉल किया, क्या बात यार रोफिरो, आज कैसे याद आ गई यार तुझे हमारी? अरे कुछ नहीं यार सुपर हीरो, बस ऐसे ही। वो क्या है ना, आज मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुझे जो ना अभी के अभी मेरे घर पे आना है, और वो पार्टी जो ना एक घंटे में स्टार्ट हो जाएगी। अरे क्या यार रोफिरो, एक घंटे में? एक घंटा तो यार बहुत ज्यादा कम है, मुझे तो ज्यादा टाइम लगेगा यार रोफिरो आने में। अगर हो सके तो यार एडजस्ट कर ले, वरना तो मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा यार रोफिरो। अरे यार सुपर हीरो, तेरे बिना तो पार्टी में मजा ही नहीं आएगा यार, अब मैं कैसे करूं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर सुपर हीरो, तू मुझे फटाफट से बता कि मेरे घर तक आने में तुझे कितना टाइम लग जाएगा। अरे यार रोफिरो, अभी तो यार देख मैं ऑफिस में हूँ, अगर तू चाहता है ना कि मैं तेरे यहाँ पार्टी में आऊँ, तो यार मुझे कम से कम कुछ भी नहीं तो 2.5 घंटे लग जाएंगे यार रोफिरो। अगर तू 2.5 घंटे तक मेरा वेट कर सकता है तो यार मैं आ जाऊंगा, वरना तो उससे पहले मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं यार सुपर हीरो, तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए तो मैं 2.5 घंटे क्या 3 घंटे भी वेट कर लूंगा। फिर तो यार रोफिरो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा ना मैं उतनी जल्दी आऊंगा रोफिरो, तू टेंशन मत ले यार, तेरे यहाँ पार्टी में आज मैं जरूर आऊंगा यार रोफिरो। अरे हाँ ठीक है सुपर हीरो, अभी तू फटाफट से घर पे आ, इतना मैं और लोगों को भी कॉल करता हूँ। ओके तो गाइस यार, अभी आप देख रहे हो सुपर हीरो भी मेरे घर पे आने के लिए रेडी हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से म्यूटेंट को कॉल लगाता हूँ। एक मिनट यार, मैं म्यूटेंट का नंबर देखता हूँ, आखिर म्यूटेंट का नंबर किधर गया? ये भाई साहब, अपनी जिंदगी में ये पहला ही आदमी देखा है यार, अपने घर पे टिप्सन का मर्डर हो गया और इसको पार्टी की लगी है। ये भाई साहब रोफिरो, दिमाग तो खराब नहीं है, इधर टिप्सन मरा हुआ पड़ा है और तुझे पार्टी की लग रही है यार? अरे नहीं चौप यार, मैं पार्टी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो ना पार्टी के बहाने से इनको अपने घर पर बुला रहा हूँ। अगर मैं इनको बोलूंगा ना कि टिप्सन का मर्डर हो गया, तो जिसने मर्डर किया होगा ना वो घर पर नहीं आएगा यार चौप। एक मिनट यार, अभी मैं फटाफट से म्यूटेंट का नंबर देखता हूँ, म्यूटेंट का नंबर किधर गया? एक तो यार जब मेरे को जरूरत पड़ती है ना, तो मेरे को मोबाइल में से नंबर ही हाथ नहीं आते। एक मिनट, अब ठीक है यार, म्यूटेंट फटाफट से कॉल उठा यार, कॉल उठा। म्यूटेंट क्या कर रहा है? अरे हेलो, क्या हाल चाल है यार रोफिरो, बहुत दिनों के बाद कॉल किया, कैसे याद आ गए यार रोफिरो आज तुझे मेरी? अरे वो कुछ नहीं यार म्यूटेंट, वो क्या है ना, आज मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैंने सोचा कि आज अपने सभी दोस्तों को बुला लिया जाए, इसी बहाने से सब दोस्त एक दूसरे से मिल भी लेंगे। तो यार म्यूटेंट, मैंने जो ना इसीलिए तेरे पास कॉल किया था, अब से एक घंटे में ना पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तो तू फटाफट से मेरे घर पर आ जा। अरे ठीक है यार रोफिरो, एक घंटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में तेरे घर पर पहुंच रहा हूं यार। तूने पहली बार पार्टी रखी है, ये पार्टी तो मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा, आ रहा हूँ यार रोफिरो, 5 मिनट में बस तेरे घर पर ही आ रहा हूँ। अरे हाँ ठीक है म्यूटेंट, मैं तेरा घर पर ही वेट कर रहा हूँ। एक मिनट यार, अभी देखो मैंने जो ना तीनों को बोल दिया है, और ये तीनों ही जो है ना सबसे ज्यादा मेरे घर पर आते जाते हैं। एक मिनट चौप, अब जो ना एक काम करते हैं, फटाफट से हम टिप्सन को जो ना तेरे घर के पास उठा कर लाते हैं, और उसको जो ना वहीं पर लेटा देते हैं। अरे हाँ भाई साहब रोफिरो, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं,
चल यार रोपिरो फटाफट से चलते हैं और टिप्सन भैया को इधर ला के लेटा देते हैं यार। अरे हाँ चौप फटाफट से हम जो ना फटाफट से चलते हैं और टिप्सन को उठा कर लाते हैं और हम जो ना इधर साइड उसको ले जाके लेटा देते हैं। तो गाइज अभी आप देख रहे हो हमने जो ना टिप्सन को इधर लेटा दिया है। एंड गाइज अभी जो ना मैं फटाफट से उन तीनों के आने का वेट करता हूँ। अरे यार इतना कंजूस है ना रोपिरो, आज पता नहीं इसने कैसे अपने घर पे पार्टी रख दी और इस पार्टी को मैं मिस कैसे कर दूंगा। फटाफट से चलता हूँ यार। ये लो मैं आ गया रोपिरो के घर। अभी देखता हूँ फटाफट से के रोपिरो कहाँ पर है। एक मिनट यार मुझे देखना पड़ेगा आखिर रोपिरो रोपिरो। अरे रोपिरो कहाँ पर है यार? अरे यार मुझे लगता है रोपिरो ने मेरे साथ कहीं प्रैंक तो नहीं कर दिया, लेकिन एक मिनट देखना पड़ेगा यार। अरे रोपिरो कहाँ पर है यार? पार्टी बोल रहा था रोपिरो, लेकिन रोपिरो के घर पे बिल्कुल भी सजावारी नहीं हो रही। एक मिनट, अरे रोपिरो तो इधर नीचे खड़ा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो यार फटाफट से चल के देखता हूँ। अरे रोपिरो यार अभी तक पार्टी स्टार्ट नहीं करी, मुझे यार इतना टाइम लग गया लेकिन अब भी पार्टी स्टार्ट नहीं करी। अरे यार आज पहली बार रोपिरो ने अपने घर पर पार्टी रखी है, इसको मैं कैसे मिस कर सकता था। अभी देखो मैं आ चुका हूँ और सुपर हीरो को भी मैं अपने साथ ही लेकर आ गया। एक मिनट अभी मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ और देखता हूँ आखिर रोपिरो कहाँ पर है। सुपर हीरो तू भी फटाफट से आ और देखते हैं रोपिरो कहाँ पर है। पहले तो इससे मालूम करूंगा कि आखिर इसने पार्टी किस लिए रखी है। अरे यार एक मिनट, यहाँ पर तो बिल्कुल भी इसने अपने घर को नहीं सजाया, कहीं इसने हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर दिया। रोपिरो अरे कहाँ पे है यार रोपिरो? एक मिनट देखना पड़ेगा। अरे ये तो विलन रोपिरो चौप यहीं पे खड़े हैं। अरे यार रोपिरो पार्टी के लिए बोल दिया और अभी तक पार्टी के लिए बिल्कुल भी सजावारी नहीं की तूने। ये भाई साहब अभी ये सब तो आ चुके हैं, मैं फटाफट से चलता हूँ और यार जल्दी से जाता हूँ टिप्सन भैया के पास और उसके अंदर से जो ना एक स्मेल करके आता हूँ यार, देख के आता हूँ आखिर इनके अंदर से कौन सी स्मेल मैच होगी। फटाफट से चलता हूँ। भाई साहब अभी जिसने रोपिरो को बुलाया था ना, रोपिरो ने जिसको बुलाया था सब आ चुके हैं। ए भाई साहब टिप्सन आज मैं तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगा यार। ए भाई साहब फटाफट से सूंघता हूँ। ए भाई साहब यार ये प्रेगनेंस तो इन तीनों में से किसी के हैं जो भी आए हैं, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सही से सूंघता हूँ। अरे यार हाँ ये तो जरूर इनमें से किसी ना किसी के भाई साहब। एक मिनट यार मैं सही से सूंघता हूँ यार, उसके बाद मैं किलर को पकड़ लूंगा। क्या आखिर टिप्सन का मर्डर किसने किया है भाई साहब? अरे यार रोपिरो तूने पार्टी करने के लिए बुलाया था, इतना टाइम हो गया अभी तक तूने पार्टी स्टार्ट नहीं की, क्या कर रहा है यार रोपिरो? फटाफट से पार्टी दे, कहाँ पर है? पार्टी तो तुम्हें मिलेगी बट अभी नहीं, कुछ टाइम रुक के। अभी मैं तुमसे जो जो भी मालूम करूँ ना उसका मुझे बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए। अगर किसी ने भी मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फटाफट से बताओ कि टिप्सन का मर्डर किसने किया है? अरे यार रोपिरो ये तो क्या बोल रहा है यार, टिप्सन का मर्डर हमने नहीं किया यार रोपिरो। अरे नहीं सुपर हीरो, मर्डर तुम तीनों में से ही किसी ने किया है। फटाफट से बता विलन क्या मर्डर तूने किया है? अरे अरे नहीं यार रोपिरो, मैं क्यों टिप्सन को मारूंगा यार। अच्छा तो तूने टिप्सन को नहीं मारा है? म्यूटेंट क्या तूने टिप्सन को मारा है? अरे नहीं यार रोपिरो मैंने टिप्सन को नहीं मारा यार। अच्छा तो म्यूटेंट तूने भी टिप्सन को नहीं मारा। सुपर हीरो क्या तूने टिप्सन को मारा है? अरे नहीं यार रोपिरो मैं क्यों टिप्सन को मारूंगा यार। बला यार रोपिरो तू ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं टिप्सन को मारूंगा? ये तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि टिप्सन को तुम तीनों में से ही किसी ने मारा है, बट तुम ऐसे नहीं मान रहे हो ना। एक मिनट अभी मैं चौप को बुलाता हूँ। चौप अरे चौप फटाफट से इधर आ यार। ए भाई साहब क्या रोपिरो ने मुझे बुलाया क्या यार? अरे हाँ रोपिरो यार अभी आता हूँ ना। ए भाई साहब ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। अरे यार रोपिरो बोलना यार फटाफट से क्या बोल रहे हैं? अरे चौप मैंने इनसे मालूम किया बट इनमें से ऐसे कोई भी नहीं बता रहा कि आखिर टिप्सन का मर्डर किसने किया है। ए भाई साहब रोपिरो ऐसे नहीं बता रहे तो फिर क्या हुआ? मेरे पास एक तरीका है ना, मैं इनके अंदर से स्मेल को करता हूँ ना यार, फिर देखना मैं सब कुछ बता दूंगा कि आखिर टिप्सन को किसने मारा है। भाई साहब बता रोपिरो स्मेल करूँ क्या? एक मिनट रुक देख मैं फटाफट से यार इसके अंदर से स्मेल करता हूँ। सुपर हीरो सही से खड़ा हो। अरे यार यार मैं इसके अंदर से स्मेल कर रहा हूँ। एक मिनट दोबारा स्मेल करता हूँ यार। अरे नहीं यार रोपिरो मैंने इसके अंदर से स्मेल किया। भाई साहब ये स्मेल टिप्सन के अंदर से बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे तो चौप यार अभी यहाँ पर दो और खड़े हैं, फटाफट से म्यूटेंट के अंदर से स्मेल करना। ए भाई साहब रोपिरो हाँ अभी करता हूँ ना यार, दो मिनट रुक बस। एक मिनट म्यूटेंट सही से खड़ा हो ना, मुझे तेरे अंदर से प्रेगनेंस स्मेल करनी है। अरे यार ये प्रेगनेंस थोड़ा थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा है।
सही से स्मेल करता हूँ यार। अरे अरे नहीं यार, ये स्मेल मेरे को नहीं यार, टिप्सन के अंदर से ऐसा स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ रहा था यार। ए भाई साहब रोपिरो, यार टिप्सन का किलर ये भी नहीं है यार रोपिरो। ए भाई साहब रोपिरो, मुझे तो ऐसा लगता है यार टिप्सन का किलर जरूर विलन है, क्योंकि इन दोनों के अंदर से मैंने स्मेल किया है भाई साहब, लेकिन इन दोनों के अंदर से वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं आ रही जो कि टिप्सन के अंदर से आ रही है यार। अरे तो चौप यार, अभी यहाँ पर विलन और खड़ा है, विलन के अंदर से भी तो स्मेल करना। ए भाई साहब रोपिरो, हाँ अभी करता हूँ ना यार। ए अरे यार, ये फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। एक मिनट यार, दोबारा स्मेल करता हूँ। अरे यार, ए भाई साहब रोपिरो, एक मिनट यार, तू मेरी बात सुनेगा, इधर आ यार फटाफट से पीछे, मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूँ यार रोपिरो। अरे चौप पीछे क्यों, यहीं पर आ और तू मुझे यहीं पर बता कि आखिर क्या बताना चाहता है। ए भाई साहब रोपिरो, मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि टिप्सन का किलर कोई और नहीं, विलन है भाई साहब, विलन के अंदर से वही फ्रेग्रेंस आ रही है जो कि मैंने टिप्सन के अंदर से स्मेल की है। अरे नहीं नहीं यार रोपिरो, इस कुत्ते की बातों पर बिल्कुल मत जाना, ये तो जानवर है, इसका क्या है, मैंने टिप्सन को नहीं मारा यार रोपिरो, मेरा यकीन करना, मैं सच बोल रहा हूँ रोपिरो, मैंने टिप्सन को नहीं मारा यार, आखिर मैं क्यों टिप्सन को मारूंगा भला, मैं कोई टिप्सन का दुश्मन थोड़ी हूँ रोपिरो, मैं सही बोल रहा हूँ यार, मैंने टिप्सन को नहीं मारा है। ए भाई साहब विलन के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत के तू मेरी प्रेगनेंस की स्मेल पर शक करेगा? मैंने आज तक बहुत सारे केस सोल्व किए हैं, इतना तो मुझे भी आइडिया है कि कौन किलर है और कौन नहीं। रोपिरो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये विलन है ना, इसने टिप्सन को मारा यार, अब देख मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ, ये तो खुद बताएगा कि मारा है क्या नहीं, अभी मैं इसको बताता हूँ। ये ले विलन के बच्चे, बता फटाफट से, तूने उस टिप्सन को मारा है ना? अरे हाँ हाँ यार, मारा है, लेकिन यार अब तुम मुझे कुछ मत कहना है। अरे नहीं नहीं, अरे यार मैंने मारा है। अरे ए भाई साहब, तेरी इतनी हिम्मत के तू टिप्सन भाई को मारेगा? भाई साहब रोपिरो, देखा ना, मैंने तुझसे बोला था ना कि किलर यही है, अब कर यार रोपिरो, इसका क्या करना है? अरे हाँ चौप यार, अब मैं इसको खुद देख लूंगा, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे घर में आके और टिप्सन को मारा, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विलन मेरे साथ ऐसा करेगा। एक मिनट, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं यार रोपिरो, मुझे माफ कर दे यार। अरे क्या बोल रहा है विलन, मैं तुझे माफ कर दूं? तुझे तो मैं चाह कर भी माफ नहीं कर सकता। विलन के बच्चे, तूने इतनी बड़ी धोखेबाजी की मेरे साथ, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि विलन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, आज मैं इस विलन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ माय गॉड यार, मैंने इनको क्यों मार दिया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि यार मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि विलन मेरे साथ इतना बड़ा धोखेबाजी करेगा, बट आप देख रहे हो इस विलन ने यार टिप्सन को मार दिया, और अब देखो मैंने जो ना इस विलन को भी मार दिया। गाइस अभी आप देख रहे हो मैंने जो ना टिप्सन का बदला बिल्कुल पूरा कर दिया है यार, मैंने टिप्सन का बदला तो ले लिया, बट अभी भी जो ना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये ले विलन के बच्चे, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। गाइस अभी आप देख रहे हो ना, विलन को मैंने पूरी तरीके से मार दिया है यार, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस विलन के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक मिनट यार, मैं देखता हूँ विलन का ब्लड कहीं मेरे ऊपर तो नहीं लग गया। नहीं यार, मेरे ऊपर तो कोई ब्लड वगैरह नहीं लगा। खैर छोड़ो गाइस यार, अभी देखो टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है, और अभी जो ना मैंने विलन को भी मार दिया है, मतलब कि मैंने टिप्सन का बदला भी ले लिया है, एंड यार अभी देखो टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैं फटाफट से आपके शाउट आउट दे देता हूँ। तो ये रहे आज के आपके शाउट आउट। तो गाइज आज का फर्स्ट शाउट आउट जाता है कृष्णा को, जो कि दहली से वीडियो को देखते हैं, एंड सेकंड शाउट आउट जाता है आकाश कुमार को, एंड थर्ड शाउट आउट जाता है पीयूष को, एंड फोर्थ शाउट आउट जाता है फरहान को जो कि दहली से वीडियो को देखते हैं, एंड फिफ्थ शाउट आउट जाता है वादर को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं, एंड सिक्स शाउट आउट जाता है राम पवाल को, एंड सेवन्थ शाउट आउट जाता है राम को, एंड एट्थ शाउट आउट जाता है साहिल को, एंड नाइन्थ शाउट आउट जाता है सीमा देवी को, एंड टेंथ शाउट आउट जाता है ऋषभ यादव को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड इलेवंथ शाउट आउट जाता है भानु को, ये भी इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड ट्वेल्थ शाउट आउट जाता है अयान को, एंड गाइस आज का नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आरव को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अंकुश यादव को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सारिम खान को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है पुलकित शर्मा को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है जैस को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सत्यम को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अहमद सलमान को,
एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है हुसैन को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आकाश कुमार को जो कि बिहार से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सूर्या को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है ऋषभ को, एंड गाइस आज का लास्ट शाउट आउट जाता है आतिफ को। एंड अगर आपको भी अपना शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से वीडियो पर कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शाउट आउट मिल जाएगा। एंड गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड फिर मैं आपके लिए और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आता हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।